बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, डिलीशियस कुजीन में वेलकम। हमारी वीडियो देखने से पहले आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली न्यू रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। आज की जो हमारी रेसिपी है, हम बनाने जा रहे हैं फ़िश मोगलाई रेसिपी, जो कि बहुत मज़े की है। स्टार्ट करते हैं। 1 kg रोहू फिश है और इस तरीके से मैंने उसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। आप अपनी पसंद की फ़िश भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें हम उसको पहले मैरिनेट करेंगे। हल्दी, पिसी हुई हल्दी डालेंगे 1/2 teaspoon। इसमें हम लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच, और ये जस्ट लहसुन का पेस्ट है, इन्हें जस्ट गार्लिक पेस्ट। लींबू का रस इसमें डालेंगे 1 खाने का चम्मच। करेंगे इसमें थोड़ा सा, अब मैं इसको मिक्स करूंगी मैं, और इसको मैरिनेट करके रख देंगे कम से कम 1/2 घंटे के लिए। इसको फ्राई करेंगे 1/2 घंटे। मैंने उसको मैरिनेट करके रख दिया था। साइड चेंज कर दी, लेकिन ये फ्राई हो गया, उसको निकाल लेंगे और बाकी तरीके से ही फ्राई कर लेंगे। छोटी इलायची है, ठीक है। दालचीनी के टुकड़े हैं यहाँ पे, थोड़े से जीरा है थोड़ा सा, सही है। इसके अलावा मेरे पास ये जवेदरी है, और इसके अलावा यहाँ पे ये जायफल का टुकड़ा है। इसको हम पीसेंगे। ऑयल में सबसे पहले ऐड करेंगे दालचीनी के टुकड़े, 1 बड़ी इलायची, छोटी इलायची 5 दाने, लौंग 6 से 7। फ्राई करेंगे, प्याज ऐड करेंगे 3 मीडियम साइज की, आप पिसा भी डाल सकते हो। इसको फ्राई करेंगे। प्याज को हमने कलर चेंज नहीं करना बिल्कुल भी। अब इसको जल्दी सॉफ्ट हुई है, अब इसमें ऐड करेंगे लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच। इसको भी फ्राई करेंगे, इसको सॉफ्ट करिए। कच्चापन खत्म हो गया, अब इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। इसकी लाल मिर्च अपने स्पाइस के हिसाब से ऐड करेंगे। धनिया पाउडर 2 खाने के चम्मच, पिसा हुआ धनिया। इसी हल्दी 1/2 टीस्पून, थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें। इसको फ्राई करेंगे उस में, फ्राई कर ली। इसकी अब इसमें ऐड करेंगे 2 खाने के चम्मच पिसा हुआ खोपरा क्रश। 1 मिनट 2 मिनट और पकाएंगे। 1 मिनट बाद 1 टी स्पून हल्दी डालेंगे, भी मिक्स करेंगे। 2 मिनट और कुक करेंगे। अब इसके बाद इसमें ऐड करेंगे पानी 2 ग्लास। ठीक है, अच्छी तरीके से करने के बाद पानी डाल दिया। अब उसको उबाल आने देंगे पानी को। देखिए पानी पकना शुरू हो गया मसाले का। अब इसमें ऐड करेंगे नमक। मैंने फिश में पहले थोड़ी सी डाला था नमक, आप इसका टेस्ट करके भी नमक डाल सकते हैं ताकि क्वांटिटी इसकी बराबर हो। इसमें गोल मिर्ची डालेंगे साबुत, थोड़ी देर और पकाएंगे।
साबुत मिर्ची मैंने पहले ऐड की क्योंकि वो थोड़ी हार्ड होती हैं, थोड़ी कुछ देर में कुक होंगी और फिश मैंने पहले से फ्राई की हुई है तो इसलिए वाइट फिश ऐड करेंगे इसमें। चलो फिश फ्राई की थी उसमें से मैंने ऑयल बचा हुआ था तो वो भी सारा हम डाल देंगे इसमें से क्योंकि इसका सारा फ्लेवर इसमें है। अब दही ऐड करेंगे इसमें, मिक्स करें। तो मसाला ऐड करेंगे जो मैंने पीस लिया आपको दिखाया था, एक खाने का चम्मच भर के। इसको भरते रखेंगे, थोड़ी देर और कुछ भी कर लेंगे ताकि इसका मसाला अच्छी तरीके से आ जाए। कसूरी मेथी ऐड करेंगे, चम्मच डाला उसमें, करेंगे फिर ऐड करेंगे हरा धनिया और इसके बाद इसको दम पे रख के सर्व करेंगे, इसको सर्व करेंगे। जी तो आप देख सकते हैं हमारी आज की मज़ेदार सी रेसिपी जो मैंने आपके साथ आज शेयर की है, फ़िश मुगलाई रेसिपी रेडी है। इसको आप देख सकते हैं ये बहुत ही मज़े की बनी है और ये आप इसकी लुक देख सकते हैं कितना डिलीशियस लग रहा है, बहुत टेस्टी है और ये आपने कभी नहीं खाया होगा, इस जायके में ज़रूर बनाइएगा। बड़े बड़े शादी में और रेस्टोरेंट वगैरह में भी ये बनाई जाती है, खास मुगलाई ये फ़िश स्टाइल है, बहुत मज़े की मुगलाई फ़िश है। इसको चपाती के साथ सर्व करें, वाइल्ड राइस के साथ सर्व करें, दोनों के साथ इसका मज़ा दोबारा रहेगा। इंशाल्लाह आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कैसी लगी इस माई रेसिपी को, मज़ेदार सी रेसिपी जो कि इस विंटर्स भी हैं और इसमें फ़िश भी ज़्यादा खाई जाती है नॉर्मल डेज़ के हवाले से। तो इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आपके घर वाले बेहद पसंद करेंगे और ज़रूर आपको तारीफ़ें मिलेंगी। नेक्स्ट टाइम के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।